हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम करेंगे कॉम्पैक्टनेस चैप्टर की दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। दो थ्योरम्स मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कराई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज जो कराने जा रही हूँ इस लेक्चर में, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपने जो थ्योरम्स मैं करा रही हूँ वही अच्छे से करके जानी है, इनमें से ही कोई एक पक्का आ जाएगी आपको एग्जाम में। सो फर्स्ट इज थ्योरम, हाँ जी, एवरी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट। ठीक है, कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस कोई भी है तो वो क्या होती है, कंप्लीट। लेट मी रिकॉल हियर वन रिजल्ट, अ मीट्रिक स्पेस इज सेड टू बी कंप्लीट If every Cauchy sequence in that space is convergent, अगर उस स्पेस की हर एक Cauchy sequence convergent है तो हम उस स्पेस को क्या बोलते हैं कि वो क्या है, complete है, right? So हमने प्रूव करना है कि कोई भी कॉम्पैक्ट मैट्रिक स्पेस क्या है, complete means उस स्पेस के हर एक Cauchy sequence क्या है, convergent. Right, so let X be a compact metric space. एक result है which says every compact metric space is sequentially compact. Therefore, X will be sequentially compact metric space. ठीक है, and a space is said to be a space is said to be sequentially compact metric space if every sequence in X has a convergent subsequence. ठीक है, तो इस स्पेस में कोई भी अगर सीक्वेंस होगी तो उसकी एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगी, राइट? सो लेट xn बी अ Cauchy सीक्वेंस इन X। हमें क्या प्रूव करना है, इसको कंप्लीट, मतलब हमने इसमें Cauchy सीक्वेंस लेनी है, उसको कन्वर्जेंट प्रूव करना है। ठीक है, सो लेट दिस बी ए Cauchy सीक्वेंस इन X, सिंस X इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, देयरफॉर Xn हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। ठीक है, सो लेट Xn K बी अ सबसीक्वेंस ऑफ दिस एंड लेट इट टेंड्स टू X बिलोंगिंग टू X। ठीक है, हाँ जी, नाउ Xn इज ए Cauchy सीक्वेंस, सो लेट एप्सिलॉन पॉजिटिव बी गिवन। अगर Cauchy है तो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन Xn एंड Xn किसी भी दो एलिमेंट्स के बीच में सीक्वेंस के, उनका डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन किया जा सकता है आफ्टर सर्टेन स्टेज। दिस इज द मीनिंग ऑफ Cauchy सीक्वेंस। ठीक है, नाउ Xn K टेंड्स टू X, सो देयर एग्जिस्ट अ स्टेज K नॉट सच डेट distance between xn k and x will be less than epsilon after this stage. ठीक है, now we choose some k1 greater than k0 such that n k1 जो है वो किससे बड़ा हो जाए, n से, इस n से बड़ा हो जाए, right? So this can be done, right? इसका मतलब क्या है, distance between xn and xn k from here it will be xn k1, it will be less than epsilon. ठीक है, चाहे epsilon by 2 से भी less कर सकते हैं, epsilon by 2 ले लो ताकि जो सम हो के क्या हो जाए, epsilon हो जाए, for all n greater than or equal to n, and distance between xn k1 and x will also be less than epsilon by 2 from here. ठीक है, so what is distance between xn and x, it is less than or equal to distance between xn and xn k1 plus distance between xn k1 and x. This is less than epsilon by 2 plus epsilon by 2, which is epsilon. So this distance is less than epsilon for all n greater than or equal to n. Therefore, the sequence xn converges to x, right? So हमने प्रूव कर लिया कोई भी Cauchy सीक्वेंस इस स्पेस में क्या है, कन्वर्जेंट। सो द स्पेस इज कंप्लीट, सो इट शोज दैट एवरी कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, राइट? नेक्स्ट थ्योरम,
This is also very important theorem. It says continuous image of a compact metric space is compact. ठीक है, मतलब इफ एफ इज अ मैप फ्रॉम एक्स टू वाई, एक्स अगर कॉम्पैक्ट है, एफ अगर कंटिन्यूस मैप है, देन एफ ऑफ एक्स विल ऑल्सो बी कॉम्पैक्ट. ठीक है, सो कॉम्पैक्ट प्रूव करने के लिए हम क्या शो करेंगे, दैट एवरी ओपन कवर हैज फाइनाइट सब कवर. राइट, सो लेट एक्स एफ बी अ मैप फ्रॉम एक्स टू वाई, इट इज कंटिन्यूस एंड सपोज एक्स इज कॉम्पैक्ट. Required to prove f of x is also compact. So let v lambda, lambda in some indexing set, be an open cover of fx. ठीक है, so it means f of x is contained in this union. ठीक है, so f inverse of fx will be contained in f inverse of this union. It means x will be contained in union v lambda, f inverse u lambda. Now, हाँ जी, अभी हमने continuity की definition में किया था, continuous function वाले chapter में, कि inverse image of an open set is open if the map is continuous. ठीक है, so v lambda is open. ठीक है, सो एफ इनवर्स वी लैम्डा इज ओपन इन एक्स, बिकॉज इनवर्स इमेज ऑफ ए ओपन ओपन सेट इज ओपन. ठीक है, सो एफ इनवर्स वी लैम्डा, लैम्डा इन द सेम इंडेक्सिंग सेट इज एन ओपन कवर ऑफ एक्स, क्योंकि ओपन सेट की कलेक्शन के यूनियन ने एक्स को कवर कर लिया. सो ये ओपन कवर बन गया किसका, एक्स का. ठीक है, बट एक्स इज कॉम्पैक्ट, ये हम सपोज करके चल रहे हैं. सो दिस ओपन कवर विल हैव फाइनाइट सब कवर. सो देयर एग्जिस्ट लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा एन सच डेट एक्स विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स वी लैम्डा वन यूनियन एफ इनवर्स वी लैम्डा टू यूनियन एफ इनवर्स वी लैम्डा एन. इसमें से कोई फाइनाइटली मेनी सेट्स ही एक्स को कवर कर लेंगे. ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटेन्ड इन एफ ऑफ एफ इनवर्स v lambda 1 that is contained union f of f inverse v lambda 2 union f inverse v lambda n. और ये फर्दर किस में कंटेंड है, f of f inverse b is a subset of b. ठीक है, so this is a subset of v lambda 1 union v lambda 2 union v lambda n. तो हमने क्या प्रूव किया, कोई भी ओपन कवर लिया था एफ ऑफ एक्स का और प्रूफ किया कि उसमें से कुछ फाइनाइटली मेनी सेट ही एफ एक्स को कवर कर लेंगे. ठीक है, सो एवरी ओपन कवर ऑफ एफ एक्स हैज फाइनाइट सब कवर, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट. ठीक है, सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थियोरम्स ऑफ द चैप्टर कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस. राइट, इसमें आपने सारे रिजल्ट नहीं करने, जस्ट जो मेन मेन रिजल्ट हैं तब वही करने हैं जो मैंने कराने. राइट, जो जितने भी आप करोगे उसको बड़े अच्छे से करके जाना एग्जाम के लिए. ठीक है, सो एक लेक्चर और मैं इसमें आपको भेजूंगी इस चैप्टर पे कॉम्पैक्टनेस वाले. राइट, दैट विल बी योर लास्ट लेक्चर ऑन कॉम्पैक्टनेस. थैंक यू.